नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है हमारे चैनल दुनिया सपनों की। और दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि किन्नरों के द्वारा कही हुई बात सच क्यों हो जाती है, किन्नरों का आशीर्वाद इतना फलित क्यों होता है। तो आइए फ्रेंड्स, जानते हैं इसके पीछे आखिर क्या मान्यता है। दोस्तों, ऐसी मान्यता है, जब भगवान राम 14 वर्ष के वनवास के लिए अयोध्या छोड़ के जा रहे थे, तो उनके पीछे पीछे उनकी प्रजा भी चल रही थी। उस वक्त प्रभु श्री राम ने अपनी प्रजा से कहा, सभी स्त्री पुरुष वापस लौट जाएं। भगवान के ये वचन सुनकर सभी स्त्री पुरुष वापस लौट गए, लेकिन जो किन्नर समाज के लोग थे वो वहीं पर खड़े रहे। और जब लंका पे विजय प्राप्त करने के बाद 14 वर्ष के बाद प्रभु श्री राम वापस लौटे, तो उन्होंने देखा किन्नर समाज के लोग अयोध्या के मुख्य द्वार पे वहीं पे उनका इंतजार कर रहे थे। तब भगवान ने उनसे पूछा कि मैंने सभी से वापस जाने के लिए कहा था, तो आप लोग अभी तक क्यों नहीं गए। तब किन्नरों ने कहा, प्रभु आपने स्त्री और पुरुषों को जाने के लिए कहा था, और हम तो ना स्त्री हैं और ना ही पुरुष हैं, इसलिए आपकी आज्ञा का पालन करते हुए हम आपका यहीं पे इंतजार कर रहे हैं। इसलिए किन्नरों की भक्ति से प्रसन्न होके प्रभु श्री राम ने उन्हें ये वरदान दिया था कि वो जो भी आशीर्वाद देंगे उनका आशीर्वाद फलित होगा, सच होगा। तो फ्रेंड्स, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार दोस्तों।